अच्छा बेटा हाँ कुछ पा एमसीक्यूज कह लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ पा पढ़ी इन जहाँ कुछ एमसीक्यूज क्यों पोर ही पा अगते हूँ ठीक है। सवाल कितर पढ़ो, अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, लिमिटिंग फ्रिक्शन केतरी थी? थोड़ो डायग्राम बेस तक समझाऊँ। मिसाल तौर ये सरफेस आड़ो ब्लॉक आको रखल ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन माना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। अच्छा अपोजिशन टू द मोशन वो मैक्सिमम जहाँ फ्रिक्शन आतरी है जैसे मैं तक पढ़ाया थोड़ी देर पैर एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी ये होंगे। अच्छा हाँ बुधा म्यू घणो 0.2, मास घणो बाबा 10, जी जो वैल्यू तो राउंड ऑफ कर 10 वो मुझे ऑप्शन भी उनके मुताबिक है तो इनके सॉल्व कयो इट वुड बी 20 न्यूटन। सब फॉर एग्जाम्पल द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस वुड बी 20 न्यूटन ठीक है। हाँ हि कॉन्सेप्ट तक अगे एमसीक्यूज में कम इंदो अगे एमसीक्यू साथ जो ध्यान दियो। फॉर एग्जाम्पल यो सागी लिमिटिंग फ्रिक्शन आए 20 न्यूटन। अच्छा फोर्स घणो दो अप्लाई कया 15 15 15 पा 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई था। अच्छा ऐसो अवान जो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का घट आ तो डेफिनेटली बॉडी मूव कंदी कौन छाकन तो पहरी है बुनियादी कंडीशन पान कड़ी बड़ी है तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन हाँ जी घट आ तो फ्रिक्शन वधीक हुजण जे करे पान चवंदा बॉडी मूव कौन कंदी। वैन इट इज़ नॉट इन मोशन द एक्सेलरेशन इज़ सेड टू बी 0, सो अगते वञण जी जरूरत ही कोन्हे को अवान जो थर्ड ऑप्शन सही रही है। अच्छा वरी हाँ थर्ड नंबर में चाहे तो फोर्स पा अप्लाई क्यों था 25 न्यूटन। अच्छा बुध उनको सॉल्यूशन में चे तो क्या जैसे तुम 25 न्यूटन जो फोर्स दिवल अलग से डायग्राम ठाक वरी भूल वो मुंजी वो ठीक है बाबा हि 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ अप्लाइड फोर्स पैंजो है 25 बुधा अप्लाइड फोर्स घटी बॉडी मूव कंदी या कान कंदी बिल्कुल कंदी केतरे फोर्सा मूव कंदी रिजल्टेंट फोर्सा मूव कंदी हाँ बुधा तो रिजल्टेंट फोर्स केतरो जैसा बॉडी मूव कंदी तो तमाम सिंपल अप्लाइड फोर्स में माइनस कयो अपोजिशन या फ्रिक्शन वो बॉडी विल मूव विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इट वुड बी एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ 5 न्यूटन हाँ वह एक्सेलरेशन घनी पान के मालूम करें ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए हाँ एक्सेलरेशन मालूम करनी ए इज इक्वल टू एफ अपान एम कयो अप्लाइड फोर्स आ 5 मास आए 10 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी तो अवान जो जो करेक्ट आंसर आ वो थो सेकेंड ऑप्शन बी थे तो बी तुम करेक्ट आंसर आ तो ऐसो लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेवेंट या लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड जो पंज गालियों वो ही ऑब्जर्व तक कर सको हलो हाँ वरी अड़े ही किस्म जो बे बी शूं में पा शामिल कंदी। मिसाल तौर एक बॉडी आ जो मास है एम एम जो मतलब कोई भी वैल्यू दैट इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ओके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस केतरी थी? डू रिमेंबर एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डेशन की गाल करें तो ना। अच्छा हाँ एक गाल बुधो इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी अवान जो अप्लाइड फोर्स लाजमी तौर पर छाजे इक्वल थियन खपे अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन जे इक्वल थियन खपे हाँ एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाइड फोर्स वाली एक्सेलरेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन होंगी म्यू एम जी हाँ हाँ अजा पान पुट पढ़ो ये न। अच्छा एम थो कैंसिल तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस दिस वुड बी म्यू इंटू जी तो एक्सेलरेशन के पा की मालूम कह म्यू इंटू जी तुझो करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन बी थो गाल खत्म वेरी सिंपल ठीक है। अच्छा हि रिटार्डेशन वाली एक्सेलरेशन जाहिर फ्रिक्शन वाले कोएफिशिएंट वाली उन्होंने रिटार्डेशन वाली है ना। हलो हाँ नेक्स्ट चलो अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड हाँ वरी इन आना ओके इट कम्स टू रेस्ट माना फाइनल स्पीड 0 बुधायो तो डिस्टेंस कवर केतरो थींदो आफ्टर आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट ठीक है। अच्छा डेटा ठाए वो पुट इनिशियल स्पीड केतरी आ यू आ जैसा अचे तो ओके म्यू ना दैट इज यू। अच्छा एक्सेलरेशन घनी आवा मथे एमसीक्यूज में मालूम कर चुका हो ए इज इक्वल टू म्यू जी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन ओके इट कम्स टू रेस्ट माना फाइनल स्पीड घनी 0 डिस्टेंस कवर केतरो थियो तां खां पुछे तो सो हाउ यू गो थ्रू इक्वेशन नंबर 3 लगायो तमाम सिंपल 2 ए एस
इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आर। अच्छा टू एक्सेलरेशन घड़ी म्यू जी, पर डू रिमेंबर दिस इज रिटार्डेशन माना माइनस जरूर हो। अच्छा डिस्टेंस यो सेम रहो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल अवाजी यू स्क्वायर। हाँ माइनस टू म्यू जी एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, ये ना माइनस आई माइनस वे मोकलाए डिस्टेंस जो फार्मूला तक मिलो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू म्यू जी। अच्छा यू कैन बी लाइक 10 मीटर पर सेकेंड 20 जो भी स्पीड मिले होंगी तक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिले हों अवान के डिस्टेंस मिली सके तो सो कड़ो आंसर पुट करेक्ट यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी अवान जो थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक साजी तरीके से द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी बुधो इन में वरी यो पुछो आ जेकर इनिशियल स्पीड असा यू रखूं बुधायो तो फाइनल स्पीड केतरी थींदी जेकर एक्सेलरेशन असा म्यू जी ही रखूं एंड टाइम जेको डिफाइन आ दैट इज टी। सो फाइनल स्पीड, अच्छा स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर एनी टाइम टी कैन बी गिवन बाय इंस्टेंटेनियस फार्मूला। इंस्टेंटेनियस स्पीड आफ्टर एनी टाइम टी वाज वी हैव डन ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 के जरिए मालूम कबी है। हाँ इनिशियल स्पीड विथ विच बॉडी इज एक्चुअली मूविंग यू एक्सेलरेशन चाहे बेटा म्यू जी प्लस वरी माइनस वरी माइनस वरी टी अवां साग्यो टी रखो। हाँ इन इक्वेशन के ती वो चाहो तो यू यो साग्यो प्लस माइनस माइनस म्यू जी टी तो यू माइनस म्यू जी टी। ठीक अच्छा इतने सभी जहाँ सभी प्लस हैं तो डेफिनेटली अड़ो ऑप्शन होजन खपे जैमें माइनस लाजमी आ मतलब कें भी कीमत इतना प्लस करे कौन था सको यू नीड टू गो थ्रू म्यू पंजो यू माइनस म्यू जी टी ही थी स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर एनी टाइम टी। तो ही एक सिंपल वे आको लिमिटिंग फ्रिक्शन या इन हिसाब से पान कर सकूंगा। ठीक अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन में स्पीड घनी होंगी एक्सेलरेशन घनी होंगी ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। हाँ पा एक नई गाल अचूंगा इन गाल के पा दिसंदासी जेका फ्रिक्शन की मौजूदगी में जैसे का बॉडी सर्कुलर ट्रैक में हले थी तो छा थींदो। सो अचो ताने पा नेक्स्ट ते हलूं इन में गाल थींदी मोशन ऑफ बॉडी ऑन सर्कुलर ट्रैक। अच्छा सर्कुलर ट्रैक में बॉडी जेका मूव करे थी वह कें थी पा इन गाली ए प्लीज पैरिया इनके तुम समझो तभी कुछ कम जो शूँ पा दिसी वो बुध ना मिसाल तौर ये सर्कुलर ट्रैक है हिं। ठीक ओके जो रेडियस है आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। अच्छा हाँ गाडी आका इन सर्कुलर ट्रैक से वे थी। ठीक तो उन गाडी के कड़ी स्पीड से हलणो पव बैलेंस करण जे लाइ छाकाणि जॾहिं को टर्न वग़ैरह ईंदो आहे यू टर्न ईंदो आहे त नेचुरल आहे त पाण बाइक खे या गाॾी खे स्लो करे वेंदा आहियूं। जेकॾहिं तेज़ हलाईंदासीं त नतीजो छा निकिरंदो असांखे सुठी ॾाढी भली ख़बर हूंदी आहे त छा थी सघे थो। ठीकु आहे सो बहरहाल हिकु कहाणी कुझु इन ई तरीक़े सां सर्कुलर हिकिड़ो ट्रैक आहे बॉडी खे पाण हुते हलाईंदो आहे। हाणे पहिरीं पहिरीं पाण इहो ॾिसंदासीं त इन बॉडी ते कुल मिलाए करे फोर्सिस घणा लॻनि था। ॿुधो हिकिड़ो फोर्स उहो आहे जेको इनखे ॿाहिरि जे तरफ़ रखे थो जंहिंखे पाण चऊं था सेंट्रीफ्यूगल। जॾहिं तव्हां टर्न में हलो था न त अंदरि जेके वेठल माण्हू हूंदा न हीअं थी वेंदा हीअं छाकाणि त हिकिड़ी आउटवर्ड पुल आहे जेको तव्हांखे ॿाहिरि जे तरफ़ हिकिड़ी ॿाहिरि जी तरफ़ रखे थी। अच्छा उन महिल अव्हांखे हिकिड़ो बैलेंस बि करे वेठो छाकाणि त अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सर्कुलर मोशन वेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्ज़िस्ट त इन जो काउंटर पार्ट फोर्स बि उन महिल जनरेट थिए थो जंहिंखे पाण सेंट्रीपिटल चऊं था। त एग्ज़ैक्टली उन महिल हिकिड़ो ॿियो फोर्स बि बॉडी में हूंदो आहे जंहिंखे पाण चऊं था सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ऐं सेंट्रीफ्यूगल ॿई हूंदा डेफिनेटली। पर अहम ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा त हींअर हिकिड़ो ॿियो फोर्स बि आहे जेको तव्हांखे बचाए वेठो आहे जेकॾहिं तव्हां टर्न में स्मूथली हली विया आहियो इंसाननि वांगुरु सां सही हली विया हो इन जो मतिलबु तव्हांखे हींअर सेफ्टी को ॿियो फोर्स ॾिए पियो ऐं उहो फोर्स आहे फ्रिक्शन जेको हिन रोड ऐं गाॾी जे टायर जे विच में हूंदो आहे। दैट इज़ द फ्रिक्शन विच कीप्स यू पीपल टू रिमेन डायरेक्टेड इनवर्ड जेको तव्हांखे इनवर्ड जे तरफ़ छिके थो। ठीकु आहे न त जेकॾहिं अवां गाॾी में वञो था गाॾी ॿाहिरि उछलाए थी त फ्रिक्शन इनवर्ड हूंदी पर जेकॾहिं बाइक में वञो था हीअं था वञो अवांखे अंदरि थी बाइक उछलाए त वरी फ्रिक्शन वरी आउटवर्ड हूंदी। त चवण जो मक़सदु इहो त इनवर्ड फोर्स हमेशह लाइ फ्रिक्शन हमेशह लाइ इनवर्ड या आउटवर्ड अपोज़िट टू द इनर्शिया हूंदो जंहिंजे तरफ़ तव्हांखे बॉडी उछलाए थी हुनजे अगेंस्ट हूंदो। बचाए तव्हांखे केरु थो फ्रिक्शन बचाए थो। इते जेकॾहिं स्मूथ सर्फेस हुजनि पोइ कमु ख़राबु थींदो बुढ।
ठीक है। सो फ्रिक्शन इज हेल्पिंग हेयर, इतने अवान की फ्रिक्शन मदद थी करें। बहरहाल ऐसो उन गाल के थोड़ा समझना थी बड़ो नंडी एकड़ी गाल जे कदे अवान जी जेका आउटवर्ड पुल आ, ठीक है, अवान जी जेका आउटवर्ड पुल माने सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, उहा अवान जी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जेकॾहिं वधीक आहे छा खां फ्रिक्शन खां, मतलब अवां गाॾी खे एतिरो तेज़ हलायो आहे, एतिरी तेज़ स्पीड आहे जो सेंट्रीपिटल जाम आहे, छाकाणि त सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करे थो तव्हां ते, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करे थो त तव्हां केतिरी स्पीड सां हलायो था, अवां ते डिपेंड थो करे न। हलो पाण छा आहे टर्न बि आयो आहे त हरू भरू माना ईअं सम्झो त गाॾी खे तव्हां तेज़ हलायो, तुंहिंजो मतिलबु आहे यू हैव प्रोड्यूस्ड अ लार्जर वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल, इन टर्न यू विल बी ऑफर्ड मोर आउटवर्ड पुल, सेंट्रीपिटल वधीक आहे, आउटवर्ड पुल वधीक थी वई, फ्रिक्शन हाणे घटि थी वई, त पोइ डू रिमेंबर यू कैनॉट मूव स्मूथली ऑन दैट ट्रैक, अवां सिंपली परे वञी किरंदो, कंहिं खॾ में वञी किरंदो, मतिलबु एक्सीडेंट स्लिप थी वेंदो सिंपली। त हीअ जेका कंडीशन आहे इहा अनस्टेबल जी कंडीशन आहे, डू रिमेंबर यू कैनॉट मूव विद द सेंट्रीपिटल ग्रेटर देन द अपोजिशन टू द मोशन, न कजो ई। अच्छा, पर जेकॾहिं सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन हुजे फ्रिक्शन खां, ॾाढो भलो, माना तव्हां भला माण्हू आहियो, इंसान आहियो, बाइक ते जॾहिं वञिबो आहे, गाॾी में वञिबो आहे, यू टर्न ईंदो, गाॾी स्लो करे पोइ आहिस्ते आहिस्ते आराम सां कढबी आहे, स्लो रखो, पोइ केतिरी बि स्लो रखो, हुनजी लिमिट न आहे, स्लो रखो, ठीकु आहे। अच्छा, इफ़ यू डू सो, तंहिंजो मतिलबु इहो आहे त तव्हां स्टेबल कंडीशन में मज़े सां हली सघो था। अच्छा, पर सर भला जेकॾहिं असां सेंट्रीपिटल फोर्स एग्ज़ैक्टली फ्रिक्शन जेतिरो प्रोड्यूस कयूं त हाणे हीअ आहे मैक्ज़िमम लिमिट, हीअ आहे पीक लिमिट या मैक्ज़िमम, इहो जेको मौत जे खूह में कमु कंदा आहिनि न, उहो हिन रूल ते हलनि था, फिज़िक्स खे फॉलो कनि था, पर दे डू फॉलो द रूल ऑफ पीक लिमिट। सुठो जेको राइडर हूंदो, सुठो जेको ड्राइवर हूंदो गाॾी खे सही हलाए सघे थो, उहो उनखे ख़बर हूंदी, उहो मेंटेन करे सघे थो, अदरवाइज़ छा थींदो आहे, पाण जहिड़ो माण्हू जेकॾहिं हलाए थो न त पाण खे त महसूसु थींदो बणा इहो अनबैलेंस थिए थी, त असां डेफिनेटली नेचुरली स्लो करे छॾींदा, अनपढ़ियल खे बि ख़बर हूंदी आहे जेकॾहिं तेज़ हलाए थी कमु ख़राबु थींदो, है न। सो बट यू कैन मेंटेन बिकॉज पीक लिमिट इज़ एक्चुअली डिफाइंड, यू कैन मूव विद द आउटवर्ड पुल एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रिक्शन, डू नॉट क्रॉस बट यू कैन मूव विद दिस वैल्यू एज़ वेल। सो ही अवांखे कंडीशन मेंटेन करणी आहे। हाणे हिन में हिकिड़ी कम जी ॻाल्हि मूंखे ॿुधाइणी आहे, अवां थोरो इन ॻाल्हि खे सम्झंदो, ॿुधो बाबा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो सिंपल कॉन्सेप्ट कहिड़ो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतिलबु ही आहे मैक्सिमम लिमिट जेका छाजे बराबरि तव्हांखे प्रोड्यूस करणी आहे, फ्रिक्शन जे। अच्छा, हाणे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज़ इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू एम जी, जेकॾहिं लिमिटिंग फ्रिक्शन जी पंहिंजो ॻाल्हि था कयो डायनेमिक मोशन में, त डेफिनेटली दिस वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू। अच्छा, एम व्यू कैंसिल थी, आर क्रॉस कयो त वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू म्यू जी आर, सो दिस मीन्स के वी इज़ इक्वल टू रेडिकल म्यू जी आर, इन जो मतिलबु आहे ही आहे मैक्सिमम स्पीड, ठीकु आहे, ॿुधो, हिनखे पाण चऊं था दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड नीडेड टू मूव ऑन सर्क्यूलर ट्रैक स्मूथली, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव स्मूथली, मतिलबु हिन खां मथे न गाॾी हलाइजो, हिन खां मथे हलायो आहे पोइ त सिधो एमरजेंसी वार्ड में, है न। सो इफ़ यूअर स्पीड इज़ लेस देन म्यू जी आर, अवांजी जेकॾहिं गाॾी जी स्पीड म्यू जी आर जी वैल्यू खां घटि आहे, मतिलबु तव्हां भला माण्हू आहियो, स्मूथ मज़े सां हलिया वेंदो, जेकॾहिं अवांजे गाॾी जी स्पीड म्यू जी आर खां वधीक आहे पोइ त कमु ख़राबु थींदो। त केतिरी स्पीड सां असां हलाए सघूं था, उहा मैक्सिमम लिमिट ई आहे, बाक़ी इन खां घटि ईच एंड एवरी वैल्यू आर पॉसिबल, इन खां घटि कहिड़ो वैल्यू पॉसिबल आहे, पर इन खां मथे न हलाइणो, मथे हलायो कमु ख़राबु थींदो, ओके। सो दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑन सर्क्यूलर ट्रैक। हाणे भाउ पाण हिन जा कुझु एम सी क्यूज़ कंदासीं सर्क्यूलर ट्रैक जा, उनखां पोइ पाण फ्लूइड फ्रिक्शन खे डिस्कस कंदासीं, ठीकु आहे। सो शाबाश, इनखे तव्हां नोट करे वठो, थैंक यू।